वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं इस लुक को। यह करीना कपूर खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक और ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई करने की कोशिश कर रही हूं यार। सो प्लीज़ अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये सीरम, ये है गुडवाइस का रोज हिप सीरम। काफ़ी अच्छा है, कंसिस्टेंसी ऑयली स्किन के हिसाब से थोड़ी सी थिक है, बट इस लुक के लिए मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो करीना का जो लुक है वो काफ़ी ड्यूवी है, काफ़ी ग्लॉसी और काफ़ी ग्लोई मेकअप है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। के बाद यहाँ मैं प्राइमर के लिए ये वेट एंड वाइल्ड का ड्यूवी फिनिश वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर एक थोड़ा सा टेंट है और जो थोड़ा सा ग्लॉसी लगता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उनके लिए नहीं है, बट मैंने इस मेकअप के लिए इसे लिया है और मतलब इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। बाद यहाँ पे मैं ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा है। ये थोड़ा सा ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, थोड़ा सा मैट फिनिश देता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और इस स्पैचुला की हेल्प से अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और उससे इस पूरे फाउंडेशन को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे फेस पे थोड़ा टैनिंग है, थोड़े स्पॉट्स भी हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिएगा कि हाँ मेरी स्किन थोड़ी सी इस वक्त खराब है। मैंने यहाँ पे एक फाउंडेशन और लिया है क्योंकि थोड़ा सा पैची लग रहा था मुझे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, तो यहाँ पे मैं अपना फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड सन बीच, और ये थोड़ा सा ड्यूवी फिनिश भी देता है और ये मेरा टैनिंग वाले फेस के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे इसका यूज़। यहाँ कंसीलर के लिए ये अगेन मेबेलिन का फिट मी कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है कंसीलर, और इसे अपने हाईलाइट पॉइंट्स पे पूरा अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से, अपने अंडर आईज पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी, अपने फोरहेड पे, यूजुअली जहाँ पे भी मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, अपनी नोज़ पे, अपने स्माइल लाइन पे, नोज़ के कॉर्नर्स पे और कॉन्टोरिंग करने के जगह पर, जहाँ पे भी मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अगेन इसे भी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। बाद यहाँ पे अपने फेस को सेट करने के लिए जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया उसे सेट करने के लिए स्टेक वर्की का लूज पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये नया लूज पाउडर है और इसे मैं फर्स्ट टाइम ही इसे यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। और इसे जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। साथ ही साथ मैं इसे अपने पूरे फेस पे सेट करूँगी क्योंकि मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है और जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करा है वो सारे ही एकदम ग्लोई वाले हैं, ड्यूवी फिनिश देते हैं, इसलिए मैं अपने पूरे फेस पे इस लूज पाउडर को अच्छी तरीके से सेट करूँगी। यहाँ पे अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए मैबिलिन की आईब्रो पेंसिल लूँगी, ये भी मेरी वन ऑफ फेवरेट पेंसिल है, और इसमें जो लुक में करीना कपूर का जो लुक है उसमें जो उनकी आईब्रोज है वो एकदम फिल्ड हैं एक, और उसी तरीके से मैं भी अपनी आईब्रोज को अच्छी तरीके से फिल करूँगी, कोई भी गैप्स ना रहे, और थोड़ा सा थिक मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पे अपने आईब्रोज को ताकि थोड़ा सा उनके जैसा लुक आ सके। एक स्पूली ब्रश लूंगी और उससे अपनी आईब्रोज को अच्छे तरीके से ब्रश कर लूंगी ताकि कोई भी प्रोडक्ट का जो हमने यूज किया है वो एकदम डिपॉजिट ना हो। इसके बाद यहाँ पे अपने बेस को मैं सेट कर लूंगी इस वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस के सेटिंग स्प्रे से, मेकअप सेटिंग स्प्रे से। बाद यहाँ पे मैं ये स्टेक वर्की का बड़ा काजल लूंगी क्योंकि करीना कपूर का जो आई मेकअप है वो काफ़ी सिंपल है और ज़्यादातर देखा गया है कि करीना कपूर जो है वो सिर्फ कोल लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं, उनकी आईज में ज़्यादा काजल का ही मेन रोल रहता है हमेशा, और उसी तरीके का ये भी काजल है। काजल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत जेट ब्लैक है, तो इसे अपनी वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे ही मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी।
इसके बाद यहाँ आई मेकअप के लिए मैं ये जैकलिन हिल मॉर्फी का आई पैलेट ले रही हूँ। इसमें से शेड को पिक कर रही हूँ और एक ये फ्लैट फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज को डिफाइन करूंगी। गाइस ये ओरिजिनल पैलेट नहीं है, ये एक ड्यूप है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है। इसका इन डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। करीना कपूर का जो ये लुक है, इसमें आई मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिर्फ एक हिंट ऑफ कलर दिखता है आपको उनकी क्रीज पे, तो सिर्फ मैं भी अपनी क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा एक कलर दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ये फ्लफी ब्रश लूँगी और उससे अच्छी तरीके से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी ताकि कुछ भी हार्श ना दिखे। अगेन इसी पैलेट में से मैं एक वाइट टाइप का कलर ले रही हूँ, आई मीन एक स्किन कलर का एक शेड ले रही हूँ, उसे अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा पॉप ऑफ दिखे, थोड़ा सा कलर दिखे। इसके बाद यहाँ पे एक स्मजर ब्रश लूँगी और अगेन जो हमने क्रीज पे कलर लगाया था उसी शेड को मैं वापस क्लिक करके नीचे अपनी वाटर लाइन पे स्मोक आउट कर लूँगी, थोड़ा सा स्मज कर लूँगी इस कलर को। इसके बाद मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ अगेन मेरा वन ऑफ फेवरेट मस्कारा, मेबलिन का पुशअप ड्रामा। ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स लैशेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये जो मस्कारा है ये बिल्कुल फॉल्स लैशेस की तरह आपको इफेक्ट देता है, तो इसका मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। गाइज इसके बाद यहाँ पे मैं ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ले रही हूँ इन द शेड प्रीशियस पेटल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे उनकी फ़ोटो में ऐसा नज़र नहीं आता है कि उन्होंने कोई ब्लश लगाया है, लेकिन एक बहुत ही सटल सा ग्लो दिखता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ अपने हाइलाइट पॉइंट्स पे। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर करी है, मैं कॉन्टोर करना भूल गई थी, तो जो वो आपको आगे के क्लिप में नज़र आएगा, फिर मैंने बाद में कॉन्टोरिंग करी है, तो अपने हाईलाइट पॉइंट्स को मैं इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ NYB के कॉन्टोर शेड से, तो अपने फोरहेड को अपने नोज को भी बहुत अच्छी तरीके से शार्प करूंगी लाइक करीना। अगेन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। अपने जॉ लाइन को भी मैंने अच्छी तरीके से कॉन्टोर किया है। अगेन मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूंगी। मैं ये लिपस्टिक का शेड ले रही हूँ, ये है नायका की मिनी लिपस्टिक इन द शेड नॉटी न्यूड। ये परफेक्ट न्यूड कलर लगा मुझे जो उनका उसमें दिख रहा था, और इसे थोड़ा सा और मैट और लाइट करने के लिए यहाँ पे मैं टिश्यू का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ हेयर स्टाइल के लिए मैंने इस तरीके की एक पोनी बनाई है, और उसके बाद मैं अपने रबर बैंड को हाइड करने के लिए इस तरीके से कवर कर रही हूँ जैसा कि करीना ने किया हुआ है इस लुक में, और उसे इस तरीके से एक पेन से सिक्योर कर लूँगी। बालों को दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करके इन दोनों को ट्विस्ट कर रही हूँ। गाइज यहाँ पे मेरे पास कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए मेरे पास जो भी है उसी में मैंने इस लुक को मैनेज करने की कोशिश करी है, और इस तरीके से ट्विस्ट करके इस तरीके से एक रबर बैंड से पोनी को सिक्योर कर लूँगी। माय फाइनल लुक। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।